तुम्हें पता भी है क्या किया है तुमने? माया के जाल में फंस चुके हो तुम। उद्घाटन करने से पहले ही हमें अपना म्यूजिक लेबल बंद करना पड़ेगा। शीना पास की एक कुर्सी पर बैठ अपना सर झुका लेती है। उसे पता था शिखर ने एक नामुमकिन चुनौती अपने सर ले ली है। शिखर शीना से एक मुस्कान के साथ कहता है, अगर पहले से ही हार मान लिया तो जरूर हार जाएंगे। भरोसा रखो मुझ पर, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने अपना कहा करके ना दिखाया हो। शीना शिखर की ओर देखती है। शिखर उसका सर अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मैं वादा करता हूं माया तुम्हारे सामने झुकते हुए तुमसे अपने हर किए की माफी मांगेगी। शीना शिखर का हाथ पकड़ हामी भरते हुए अपना सर हिलाती है। तभी शिखर को फोन आता है। फोन पर पवन का नाम होता है और शिखर फोन उठा कहता है, अच्छा तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो कल के लिए बुक हो गया, ठीक है समय और जगह बता दो, हम पहुंच जाएंगे। अगले दिन शिखर पहुंचता है एक स्टूडियो के बाहर। ये है डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। स्टार मेकर से लेकर बाकी सभी यहीं आना पसंद करते हैं अपने किसी भी गाने के लिए। पवन शिखर से कहता है, जो अपनी आंखें बड़ी कर सामने भूरे रंग की दो मंजिला इमारत जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में स्टूडियो का नाम लिखा हुआ है देख रहा था। शिखर बिना स्टूडियो से नजरें हटाए कहता है, शीना अब तक क्यों नहीं आई? पवन पलट कर जवाब देता है, बजाती होगी, तब तक मैं आपको इन इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों से मिलवाता हूँ। और दोनों स्टूडियो के अंदर जाते हैं। ये सब के सब इतने मशहूर हैं कि हमेशा 3-4 महीनों के लिए पहले से ही बुक रहते हैं। मुझे थोड़े फोन लगाने पड़े लेकिन आखिरकार मैंने इन्हें हमारे गाने के लिए मना ही लिया। शिखर भी पवन की ओर देखते हुए कहता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, हमारा माया को हराने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही होगा। पवन मुस्कुराते हुए शिखर से सभी इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों का परिचय करवाता है। वो सब बाहर जाते हैं और तभी पवन देखता है कि उसकी तरफ आ रही एक कार में बैठे किसी को देख हैरान रह जाता है और शिखर को उस ओर देखने का इशारा करता है। शिखर जैसे ही पलटता है वो भी हैरान हो कहता है, ये शीना के साथ कौन है? शिखर के सामने शीना की कार रुकती है और अंदर शीना के साथ एक बच्चा और कुछ लोग फटे पुराने कपड़े पहने लोग बाहर आते हैं। शिखर आगे बढ़ते हुए शीना से पूछता है, ये सब कौन है और इन्हें यहाँ साथ क्यों लाई हो? शीना अपनी कार से निकलते हुए कहती है, मैं अपने गानों के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले साथ लाई हूँ। पवन शीना को काटते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने पहले से ही कुछ नामचीन इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों से बात कर उन्हें यहाँ बुला लिया है। और पवन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है, उन लोगों को देता है जो शीना के साथ है और ये कहते हुए, हमारा काम हो गया, अब जा सकते हो। शीना पवन का हाथ पकड़ उसे पैसे देने से रोकते हुए कहती है, मेरे गाने के लिए यही संगीत दे रहे हैं, मैंने इनका बनाया हुआ संगीत सुना है, यकीन मानो मेरे गाने पर इनका बनाया हुआ संगीत ही सही बैठेगा। पवन के साथ आया गिटार बजाने वाला अरविंद कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब हम लोगों से ज्यादा अच्छा गाना बजा सकते हैं ये छपरी लोग, क्यों इनका मजाक बनाना चाहते हैं सबके सामने? शीना बिना उसे कुछ जवाब दिए शिखर के सामने खड़े होते हुए उससे कहती है, जब मैं नई यहाँ मुंबई में आई थी मैं रात में अपने कमरे से गाया करती थी और ये मेरे कमरे के बाहर अपनी टूटी फूटी इंस्ट्रूमेंट्स लिए मेरे उस गाने को संगीत दिया करते थे और संगीत को सुन आसपास के सभी लोग अपनी खिड़कियां खोल लिया करते थे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। शीना की बात सुन शिखर भी अपना सर हिलाते हुए पवन से कहता है, इन्हें एक मौका तो देना चाहिए। शिखर की ये बात सुन अरविंद भड़कते हुए बोला, हमें यहां बुला हमारे सामने इन सड़क छाप से संगीत दिलाने की बात कर रहे हो? एक काम करो, इन लोगों से ही संगीत बनवा लेना अपने गाने के लिए, हमारे पास ऐसे फालतू में बर्बाद करने को समय नहीं है। अरविंद इतना बोल अपने साथ आए बाकी सभी को यहां से ले जाने लगता है। पवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अरविंद को रोकने के लिए पवन शीना के साथ आए लोगों की ओर इशारे करते हुए कहता है, मैं इन लोगों को अभी वापस भेज रहा हूं और आपको हुई तकलीफ के लिए आपके साथ आपकी पूरी टीम का पैसा बढ़ाने को तैयार हूं। ये सुन अरविंद के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और पलट कर कुछ देर सोचता है और पवन से कहता है, ठीक है मैं एक ही शर्त पर रुकने वाला हूं, अगर मुझे दिए जाने वाला पैसा आप दुगुना करने को तैयार हो जाओ तो। पवन को पता था शिखर के पास पैसों की कोई कमी नहीं और शिखर से पूछे बिना हामी भर देता है। शिखर जो इतने देर खड़ा ये सब देखे जा रहा था पवन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, इन्हें जाने दो, मैंने फैसला कर लिया है, हम शीना के दोस्तों के साथ ही ये गाना पूरा करेंगे। शिखर अरविंद की ओर देख कहता है, मुझे भी कभी सड़क छाप बुलाया जाया करता था,
अगर कोई सड़क छाप होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे मौका ही नहीं दिया जाए। ऐसा ही एक मौका मिलने पर अगर मेरे जैसा इंसान आज यहाँ पहुंच गया तो मैं एक मौका इन लोगों को भी दूंगा। मुझे भी इन पर पूरा भरोसा है कि ये अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। ये सुन अरविंद बिना कुछ बोले अपना मुंह फेर वहां से जाता है और पवन जैसे ही फिर उसे रोकने को आगे बढ़ता है, शीना पवन को रोकते हुए मजाक में कहती है, मेरी पसंद पे थोड़ा तो भरोसा रखिए, आखिर आपको भी मैं ही यहाँ लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद बात शांत होती सभी वापस अंदर जाते ही और इतने आलीशान से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फटे पुराने कपड़े पहने लोगों के हाथों में लाखों के इंस्ट्रूमेंट्स देखकर कोई भी हैरान रह जाता। ऐसे में सामने बैठे कंपोजर के मन में उनकी काबिलियत पर शक होना तो जायज था, पर जैसे ही उन्होंने गाना बजाना शुरू किया सबके मन में उनको लेकर जो शक था वो बस पल भर में ही दूर हो गया। सामने बैठा कंपोजर भी उनकी प्रशंसा करने लगा। शिखर और शीना दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और पवन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। शीना पवन को फुसफुसाते हुए कहती है, अब तो आज के बाद मेरे कहे पर शक नहीं करोगे ना? पवन भी पलटकर जवाब देता है, मान गया तुम्हें, मैंने आज तक अपने करियर में इतना अनोखा संगीत नहीं सुना। तुम्हारी आवाज के साथ मिलकर ये संगीत जरूर सुपरहिट होगा। थोड़ी ही देर बाद शीना भी अंदर अपने साथियों के साथ स्टूडियो में गाने को तैयार हो रही होती है। माइक के सामने खड़ी हो अपने कानों पर हेडफोन्स लगाती है। कांच के दूसरी तरफ खड़ा शिखर भी चेहरे पर एक हंसी लिए उसे देखे जा रहा था। शीना कंपोजर के इशारे पर गाना शुरू ही करने वाली होती है कि तभी कमरे का दरवाजा खटखटा कोई अंदर आता है। सबकी नजरें उस ओर जाती है। शीना जो अपना गाना शुरू करने ही वाली थी। ने शहर की जगमगाती हुई लाइट्स देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शीना अक्सर शांत पलों की तलाश में या अपनी उदासी को दूर करने यहीं आया करती है। आज भी इस नजारे को देखते हुए वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी, पर आज उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। उसके अंदर की बेचैनी उसे खाई जा रही है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। शीना पलट कर देखती है और चौंकते हुए कहती है, तुम यहां कैसे? शिखर अपना फोन दिखाते हुए जवाब देता है, तुमने एक बार मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी सता रही होती है तुम अक्सर यहीं आती हो। शीना बिना कुछ बोले अपना मुंह मोड़ कर वापस शहर की ओर देखने लगती है। शिखर भी आकर उसके बगल में उस टूटी सी दीवार पर बैठते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? शीना बिना कुछ बोले बस एक झूठी हामी भरते हुए अपना सिर हिलाती है। शीना शिखर से अपना मुंह फेर बैठी हुई है। उसकी आंखें नम थी। बस कुछ ही पलों में आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। मगर शीना
शिखर के सामने अपने आंसू बहाना नहीं चाहती थी। शिखर देख पा रहा था शीना का हाथ कांप रहा है और धीरे से अपना हाथ बढ़ाते हुए शीना के हाथों पर रखता है। जैसे ही शिखर के हाथों का स्पर्श शीना को महसूस होता है, शीना के अंदर से उसकी सारी बेचैनी मानो गायब हो जाती है। शीना मुड़कर शिखर की आंखों में देखती है। शीना को इस हाल में देख शिखर की आंखें भी नम हो आई थी। शीना का मन तो कर रहा था शिखर के गले लग उसे अपने दिल की सारी बातें बता दे, मगर अनन्या को दिया हुआ वादा उसे ऐसा करने से रोक रहा था। बिना कुछ बोले दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। शीना अब शांत हो चुकी थी। शिखर धीमी सी आवाज में उससे पूछता है, ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें यहां आना पड़ा? शीना शिखर के हाथों के नीचे से अपना हाथ वापस लेते हुए कहती है, वो बस इतने सालों बाद माइक के सामने खड़ी हुई तो थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी मुझे। शिखर शीना की ओर मुड़ते हुए पूछता है, क्या ये बेचैनी तुम्हें राजवीर की वजह से हुई थी? इतने सालों बाद ये नाम सुन मानो शीना की एक पल के लिए सांसें ही रुक गई, मगर वो अब तक शिखर को अपने अतीत के सारे राज बताने को राजी नहीं थी। शीना अपना मुंह फेरते हुए जवाब देती है, राजवीर माया का पति है, उसे देख बस माया की कुछ बातें याद आ गई और कुछ नहीं। शिखर को पता था शीना उसे पूरी बात नहीं बता रही, मगर वो इस पल शीना पे कोई जोर नहीं डालना चाहता था और दीवार से नीचे उतर शीना की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आज जो भी हुआ वो भूल जाओ, अभी हम वापस स्टूडियो जा रहे हैं और इस बार गाना रिकॉर्ड कर ही वापस आएंगे। शीना भी मुस्कुराते हुए शिखर का हाथ पकड़ नीचे उतरती है। शिखर और शीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचते हैं और शीना फिर उस माइक के सामने खड़ी होती है, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। माइक के सामने शीना के साथ शिखर भी खड़ा था और शीना शिखर की आंखों में देखते हुए अपना गाना शुरू करती है। गाना खत्म होने तक दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। रिकॉर्डिंग खत्म कर शिखर अपने होटल पहुंचता है। होटल के दरवाजे पर पहुंचते ही जोसेफ उसके पास आकर कहता है, सर आपका बहुत समय से कोई इंतजार कर रहा है, और वहीं बैठे अनमोल की ओर इशारा करता है। अनमोल की भी नजर शिखर पर पड़ती है और वो अपने पांव पटकते हुए तेजी से शिखर के सामने आ खड़ा होता है और झटके से उसका कॉलर पकड़ कहता है, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मोल शिखर पर चिल्लाए जा रहा था कि वहां बबीता आती है और अनमोल की सारी बातें सुन लेती है। तभी अनमोल की भी नजर बबीता पर पड़ती है और वो शिखर का कॉलर छोड़ बबीता की ओर बढ़ता है। इससे पहले बबीता अनमोल को कुछ कहे, अनमोल उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। शिखर जैसे ही अनमोल का बबीता पर हाथ उठाना देखता है, वही अनमोल को पकड़ उस पर थप्पड़ और लात बरसाने शुरू कर देता है, जब तक वो जमीन पर गिर बबीता से माफी नहीं मांगने लगता है। बबीता शिखर को देखते हुए बस यही सोच रही थी कि मेरे लिए आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, और एक ये जिसने न जाने क्या क्या नहीं किया मेरे खिलाफ हुई इस नाइंसाफी का हिसाब लेने के लिए। आज ड्रीम कैचर्स की लॉन्च पार्टी है। पवन नशे में धुत शराब का अपना तीसरा गिलास पीते हुए कहता है, मैं कह रहा हूं कोई नहीं आएगा पार्टी में, माया फिर से जीत गई, मुझे पता है कि सब उसी की पार्टी में जाएंगे, उसे भी ये बात पता थी तभी उसने भी आज ही पार्टी रखी है। जोर जोर से बजते म्यूजिक के बीच पवन को अपनी ये बात चिल्लाते हुए कहनी पड़ी। शिखर उसे दिलासा देते हुए कहता है, मुझे शीना के गाने पर भरोसा है, लोग उसे सुनने जरूर आएंगे। ये कहते हुए शिखर वापस से क्लब में चल रही तैयारियों के निरीक्षण में लग जाता है। क्लब को शीना के म्यूजिक लॉन्च की पार्टी के लिए जगमगाती हुई लाइट से सजा दिया गया है और बार में तरह तरह की शराब का इंतजाम किया गया था। जब एक घंटे बाद भी क्लब में लोगों के नाम पर शीना और शिखर के कुछ दोस्तों के अलावा कोई नहीं आया, तो निराश होते हुए शिखर कहता है, लगता है हम आखिर हार ही गए। शिखर की आंखें ये बोलते वक्त जैसे हारी सी लग रही थी। क्या शिखर इतनी आसानी से माया के खिलाफ ये जंग हार जाएगा, या शिखर और शीना ढूंढ निकालेंगे कोई नया रास्ता? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।